की डिबाउंस, ये एक मैकेनिकल पुश बटन की होती है जो हमारी कनेक्टेड होती है एक साइड ग्राउंड से और दूसरी साइड 5 वोल्ट सप्लाई से, और हमारे यहाँ से आउटपुट प्रोड्यूस होती है, और ये हमारी की है जो डीबाउंस करती है हम, और जब इसकी आउटपुट आती है तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह की होती है, जो कि ये जो वेव्स हैं ये शो करती हैं हमारी की प्रेस, जब हम कीबोर्ड से की को प्रेस करते हैं उस टाइम की वेव फॉर्म्स होती हैं, और जब हम की को रिलीज़ करते हैं कि उस टाइम की वेव फॉर्म्स होती हैं, और ये जो बीच की लाइन होती है ये लॉजिक ज़ीरो होती है और ये लॉजिक हाई होती हैं। जब हम की को प्रेस करते हैं तो वो सिर्फ लॉजिक ज़ीरो की रीडिंग को काउंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट की सप्लाई रहेगी जब हमारी की प्रेस नहीं हुई है। जब हम की के साथ वर्क करते हैं, की को प्रेस करते हैं, तो उसे डीबाउंस करवाना ज़रूरी होता है, यानी बाउंस करवाते हैं, एक मेक और ब्रेक कनेक्शन बनाते हैं, जो कि मेटल, जो हमारा मेटल कॉन्टैक्ट होता है वो बाउंस करता है अपनी स्टेडी स्टेट रीडिंग से पहले, यानी कि जब हम की प्रेस करते हैं उस टाइम पे रीडिंग नहीं आती, जब हम की को प्रेस करके डी बाउंस करते हैं उसके बाद रीडिंग हमारे आउटपुट पे मिलती है। जब हम की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट बनता है, यानी जब हमने की को प्रेस किया तो एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट बनना, उसके बाद की डी बाउंस हो गई, ऊपर चली गई। हम की को प्रेस तो करके नहीं रखते, उसको डी बाउंस करते हैं ताकि हमारे पास मॉनिटर पे आउटपुट आ सके, और उसके बाद हमारे पास आउटपुट पर कुछ इस तरह की वेव फॉर्म्स आती है। ये लॉजिक ज़ीरो शो करता है। ये जो लॉजिक ज़ीरो होता है, ये जो लाइन है सिर्फ ये लाइन शो करती है कि हमारी जो आउटपुट आती है उस लॉजिक ज़ीरो फंक्शन में ही आती है, परफॉर्मेंस में ही आती है। और ये जो की प्रेस और की रिलीज़ की वेव फॉर्म्स होती हैं, इसको हम काउंट नहीं करते अपनी आउटपुट पे, क्योंकि अगर ये भी काउंट होगी तो हमें आउटपुट पे मल्टीपल रीडिंग्स मिलेगी। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक की डीबाउंस टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, यानी कि लॉजिक ज़ीरो के टाइम पे ही हम अपनी जो रीडिंग है ले सकते हैं, और इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसको, इस वेव फॉर्म को, और उसके बाद हमारी ये हाई हो जाती है और उस टाइम पर कोई रीडिंग नहीं आती जब तक कि नेक्स्ट की प्रेस ना हो। और जो हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्निक है वो कुछ इस तरह से, ये हमारा की डीबाउंस सर्किट है जिसमें 2 NAND गेट्स का यूज़ किया गया है। गेट NAND गेट की A1 और A2 टू इनपुट्स हैं, और गेट 2 की B2 और B1 टू इनपुट्स हैं। O1 और O2 हमारी आउटपुट्स हैं फर्स्ट गेट की और सेकेंड गेट की। ये हमारी की है जिसमें एक तरफ से 5 वोल्ट सप्लाई है, ये एक तरफ से हमारी ग्राउंड है। जब हमारी की हमारे A1 से, यानी कि गेट 1 से कनेक्टेड है, इस टाइम पे ये लॉजिक ज़ीरो शो करेगी। जैसे मैंने कहा, जब की को प्रेस करते हैं तो लॉजिक ज़ीरो में ही वो काउंट करती है, और मॉनिटर पे जो हमारा जो मेटेलिक कॉन्टैक्ट होता है ज़ीरो वाला, सिर्फ उसे ही शो करती है। और डीबाउंस क्यों करते हैं? मल्टीपल रीडिंग को इग्नोर करने के लिए। तो जब ये की हमारे इससे गेट 1 से कनेक्ट होगी तो लॉजिक ज़ीरो फंक्शन क्रिएट अगेन, लॉजिक ज़ीरो जो हमारा सिग्नल है वो आएगा। ये जो सिग्नल है हमारे NAND गेट पे जाएगा, यहाँ से इनपुट 0 आई एक्टिव लो तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो एक्टिव हाई आएगी, और वो हमारे B2 गेट की, यानी कि जो यहाँ से जहाँ आउटपुट आई है वो B2 की इनपुट बन जाएगी, गेट 2 की इनपुट बन जाएगी। और इस टाइम पे यहाँ पे की का कोई कनेक्शन नहीं है, की का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये एक्टिव हाई है। जब कनेक्शन होता है तो एक्टिव लो होती है, जैसे यहाँ पे कनेक्शन था तो एक्टिव लो थी, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, इस टाइम पे वो एक्टिव हाई ही रहेगी। तो यहाँ से पहले से ही एक्टिव हाई है तो 1 जाएगा, 1 सिग्नल गया, लॉजिक 1 गया, तो गेट 2 की जो आउटपुट है वो लो आएगी, यानी 0, जो कि A2 की इनपुट बन जाएगी। इस टाइम पे जो हमारे गेट 1 की आउटपुट है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे की का कनेक्शन ए से रिलीज़ कर दिया जाए, यानी हमने ए से रिलीज़ कर दिया है, इस टाइम पे भी हमारे जो गेट है उसकी आउटपुट चेंज नहीं होगी। ये तब तक चेंज नहीं होगी जब तक ये नेक्स्ट कनेक्शन यानी B1 से कनेक्टेड ना हो जाए,
जब ये बी वन से कनेक्टेड होगी उसके बाद ही इसकी आउटपुट चेंज होगी। अगर ये बी वन यानी कि हमारे गेट नैंड गेट टू से यानी हमारे बी वन से कनेक्ट हो गई उसके बाद इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी क्योंकि ये फिर एक्टिव हाई वन हो जाएगी और ये उसके ऑपोजिट जीरो हो जाएगी और उसके ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करेगी। और जो भी हमारी यहाँ पे आउटपुट आएगी उसको हम इनपुट कर देंगे, पोर्ट पे इनपुट के लिए दे देंगे। इस तरह से हम मल्टीपल रीडिंग्स से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने सिस्टम को। ये हमारे कीबोर्ड्स में जुड़ा होता है जो कि मल्टीपल रीडिंग से प्रिवेंट करता है। और की को डिबाउंस करना ज़रूरी होता है यानी कि अब मेक और ब्रेक फंक्शन परफॉर्म करवाना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर मेक और ब्रेक अगर मेक करके रखें उसे ब्रेक ना करें तो मल्टीपल रीडिंग्स तब भी आती हैं।